हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के इस वीडियो का कंप्लीट वर्जन पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है एन टी एन के एग्जाम्स और यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है इस कोर्स में मेरे द्वारा पॉलिटिकल साइंस के इन सिक्स यूनिट्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस वीडियो में हमारा फोकस इंटरनेशनल रिलेशन में पावर की मीनिंग और नेचर को समझने के ऊपर होगा इंटरनेशनल रिलेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है एक रियलिस्ट स्कॉलर है कि पावर इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एन इंटेंडेड इफेक्ट पावर वो क्षमता है वो कैपेसिटी है जिसके द्वारा आप जो चाहते हैं उसे अचीव कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में हम स्टेट्स को कंट्रीज़ को और इन कंट्रीज़ में मौजूद जो गवर्नमेंट्स हैं इन्हें इंटरनेशनल रिलेशन्स का प्राइमरी एक्टर मानते हैं मतलब जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो इन्हीं स्टेट्स से मिलकर बनता है इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन्स में जब हम पावर की बात करते हैं और पावर जिस कैपेसिटी को डिनोट करता है उस कैपेसिटी की बात करते हैं तब हम बेसिकली स्टेट्स की पावर और स्टेट्स की कैपेसिटी की बात कर रहे होते हैं इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन्स में पावर जो है वो नेशनल पावर को रिप्रेजेंट करता है पावर इज इक्वल टू नेशनल पावर लेकिन स्टेट्स की ये जो पावर है ये जो कैपेसिटी है इसे समझना स्टेट्स के पावर के ट्रू नेचर को समझना पावर के फीचर्स को समझना डायमेंशंस को समझना ये थोड़ा डिफिकल्ट है और यही वो रीजन है जिसकी वजह से जोसेफ नाई कहते हैं कि पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज लाइक वेदर एवरी वन टॉक्स अबाउट इट बट फ्यू अंडरस्टैंड इट मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर कोई क्लेम करता है कि उन्हें पता है कि पावर का ट्रू नेचर क्या है ट्रू डायमेंशन क्या है लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो कि पावर के ट्रू नेचर ट्रू डायमेंशन रियल फीचर को लेकर अवेयर होते हैं 1990 में जोसेफ नाइ पावर के इसी कॉम्प्लेक्स नेचर को सिंप्लीफाई करने के लिए पावर को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का ये जो कॉन्सेप्ट है ये जो आइडिया है ये आइडिया जोसेफ नाई के द्वारा डेवलप किया गया है हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर दोनों ही एक कंट्री के नेशनल पावर को डिनोट करते हैं एक कंट्री के नेशनल पावर के ये दो अलग अलग डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि हमने कीनथ वुड्स के पावर के डेफिनेशन में अभी देखा पावर इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एन इंटेंडेड इफेक्ट पावर एक कंट्री की वो क्षमता है जिसके द्वारा एक कंट्री वो हासिल करती है जो वो हासिल करना चाहती है हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर इसी ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के दो माध्यम हैं दो मेथड्स हैं तो यहां तक हमें ये बात समझ में आ गया कि हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर एक कंट्री के नेशनल पावर के दो अलग अलग डायमेंशंस को डिनोट करते हैं दो अलग अलग तरह के कैपेसिटी को डिनोट करते हैं जिसके द्वारा एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करती है और उसे अटेन करती है तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का अब आइए हम हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर इनके मीनिंग को इनके नेचर को और इनके डायमेंशन को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हार्ट पावर हार्ट पावर इज द डायरेक्ट एंड ऑब्जर्वेबल यूज ऑफ फोर्स बाय वन कंट्री ओवर अनदर कंट्री मतलब जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से बल का प्रयोग करता है उस कंट्री से वो करवाने के लिए जो वो उस कंट्री से करवाना चाहता है या उस कंट्री को कुछ करने से रोकने के लिए तब पावर के इस तरह के डायरेक्ट यूज को पावर के इस तरह के डायरेक्ट एक्सरसाइज को हम हार्ट पावर कहते हैं हार्ट पावर के केस में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं पहला यहां पर एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री के ऊपर फोर्स का जो यूज है वो यूज डायरेक्ट होगा डायरेक्ट यूज ऑफ फोर्स इनडायरेक्ट नहीं और दूसरा फोर्स का ये जो यूज है ये विजिबल होगा ऑब्जर्वेबल होगा तो एक बात यहां पर क्लियर है कि हार्ड पावर इन्वॉल्व डायरेक्ट एंड विजिबल यूज ऑफ फोर्स हार्ड पावर की जब हम बात करते हैं तब हमारा मतलब बल के प्रत्यक्ष प्रयोग से होता है लेकिन यहां पर इस पॉइंट पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज करता है डज हार्ड पावर नेसेसरली मीन वायलेंस हम हार्ड पावर को बल के प्रयोग से फोर्स के यूज से कनेक्ट करके देख रहे हैं तो क्या हार्ड पावर का मतलब वायलेंस होता है डज हार्ड पावर नेसेसरली मीन वायलेंस क्या हम जब भी हार्ड पावर की बात करते हैं तब हमारे सामने एक ऐसा दृश्य आ जाता है जहां एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री के ऊपर वायलेंस का प्रयोग किया जा रहा हो वेल well, इस क्वेश्चन का आंसर है नो जनरली हार्ड पावर किसी तरह के फोर्स या बल या कर्शन से जुड़ा होता है लेकिन हार्ड पावर का मतलब वायलेंस नहीं होता कुछ केसेस में वायलेंस इन्वॉल्व हो सकता है फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ वॉर लेकिन आमतौर पर हार्ड पावर वायलेंस को डिनोट नहीं करता हार्ड पावर को यूज करने के दो मेथड्स हैं दो तरीके हैं ओके okay? कर्शन और रिवॉर्ड का मेथड या फिर आप इसे कह सकते हैं स्टिक या कैरेट का मेथड कर्शन या स्टिक के मेथड में एक कंट्री डायरेक्टली दूसरे कंट्री को यह कहती है कि अगर उस कंट्री ने वैसा नहीं किया जैसा उसे करने को कहा गया है तो उस कंट्री को पनिशमेंट फेस करना पड़ेगा ये पनिशमेंट डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन के फॉर्म में हो सकता है इकोनॉमिक सैंक्शंस के फॉर्म में हो सकता है या उस कंट्री को इंटरनेशनल कम्युनिटी से बाइकऑट करने के फॉर्म में हो सकता है दूसरा मेथड है रिवॉर्ड या कैरेट का मेथड यहां पर हम एक कंट्री के बिहेवियर को एक और उस कंट्री के डिसीजंस को अफेक्ट करने के लिए निशमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि पॉजिटिव इंसेंटिव या रिवॉर्ड के लालच का इस्तेमाल करते हैं और कई कंट्रीज इन पॉजिटिव इंसेंटिव्स की वजह से इन रिवॉर्ड्स की वजह से अपने बिहेवियर को अपने डिसीजन को अपने फॉरेन पॉलिसी को दूसरे कंट्री के अकॉर्डिंग मोल्ड करने के लिए चेंज करने के लिए तैयार भी हो जाती हैं तो हार्ड पावर को एक्सरसाइज करने के ये दो मेथड्स हैं कर्शन और रिवॉर्ड का मेथड या आप कह सकते हैं स्टिक और कैरेट का मेथड और इन दोनों मेथड्स में वायलेंस का यूज हिंसा का प्रयोग रेयरली होता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वॉट कंस्टीट्यूट हार्ट पावर मतलब वॉट आर द एलिमेंट्स ऑफ हार्ट पावर एक कंट्री के नेशनल पावर के कई एलिमेंट्स हो सकते हैं इनमें से कुछ एलिमेंट्स टेंजेबल होते हैं मतलब विजिबल होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं मेजर कर सकते हैं और कुछ एलिमेंट्स इनटेंजेबल होते हैं जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते हार्ड पावर एक कंट्री के नेशनल पावर के टेंजबल एलिमेंट्स के साथ जुड़ा होता है मतलब हार्ड पावर एक कंट्री के कैपेबिलिटीज या रिसोर्स को डिनोट करता है जिन्हें हम देख सकते हैं मेजर कर सकते हैं ओके जैसे कंट्री की पॉपुलेशन टेरिटरी नेचुरल रिसोर्सेज इकोनॉमिक साइज मिलिट्री फोर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये सभी टैंजिबल एलिमेंट्स है एक कंट्री के नेशनल पावर के ये सभी टैंजिबल एलिमेंट्स हैं और हार्ड पावर इन सभी टैंजिबल एलिमेंट्स से जुड़ा है जिन्हें हम देख सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो इन्हें हम डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं तो एक कंट्री की मिलिट्री स्ट्रेंथ और इकोनॉमिक पावर उस कंट्री के हार्ड पावर का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है तो ये था हार्ड पावर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉफ्ट पावर हार्ड पावर के कंपैरिजन में सॉफ्ट पावर को समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हार्ड पावर की हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के इस वीडियो का कंप्लीट वर्जन पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है एन टी यून जी के एग्जाम्स और यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है इस कोर्स में मेरे द्वारा पॉलिटिकल साइंस के इन सिक्स यूनिट्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं